देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है, आज हम वहां भी जीतने की स्थिति में हैं। और एक प्रकार से एक वक्त कहा जाता था कि हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो आज भी हमारी विशेषता है, लेकिन उसके साथ साथ हम कार्डर बेस्ड मास पार्टी भी बने हैं, जिसकी की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग और देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता भी नेतृत्व तक पहुंचते हैं और प्रमुख नागरिक जो देश के हैं, विशेष रूप से जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में एक्सेलेंस प्राप्त की हो, ऐसे लोगों को भी पार्टी में लाना, और क्योंकि देश की भागदौड़ हमारी पार्टी के और हमारे सहयोगियों के हाथ में है और उम्मीद है कि रहेगी, तो इस प्रकार के लोगों से हर क्षेत्र की और पार्टी का, सरकार का, देश की नीति का ध्यान जा सके, ये हमारी पुरानी नीति रही है। We are also a cadre-based mass party now, where there is Gautam Gambhir, प्रसिद्ध नाम है, बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। विशेषता ये है कि ये दिल्ली में ही जन्मे पले, यहीं पर पढ़े और दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, हिंदू कॉलेज और उसके बाद दिल्ली में हर स्तर पर क्रिकेट खेली, अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, कैप्टन रहे दिल्ली के बहुत सालों तक, हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेली और एक्सेल किया अपने करियर में, आईपीएल में दो टीमों के कैप्टन रहे और उसके बाद 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता और 2011 में 50 ओवर ओडीआई का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता, तो उसके फाइनल्स में इनकी पीक परफॉर्मेंस की एक प्रकार से दोनों जीतों में इनका बहुत बड़ा रोल था पिछले दोनों विश्व कप में। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हैं और अपने क्षेत्र में काम करने के बाद क्रिकेट की फील्ड में खिलाड़ी के रूप में आप रिटायर रहे हैं, लेकिन खेल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंटेटर के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, तो आज ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। अभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और पार्टी में आने से उनका जो पूरा टैलेंट है उसका पार्टी प्रयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि पार्टी को इनके आने से बहुत बहुत लाभ होगा। मैं इनका स्वागत जोड़नी है। गौतम गंभीर जी अभी तक भारत की ओर से 58 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 150 वन और ही हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट 11,000 रन इन इंटरनेशनल ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। देयरफॉर इनका प्रोफेशनल स्टैचर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से प्रभावित होकर और जो भारत ऊंचाई पर पड़ा बढ़ रहा उनकी अगुवाई में बीजेपी इंडिया के साथ, इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, जिसके कारण वो बीजेपी में आज ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी बाकी अब मैं गौतम गंभीर जी से आग्रह करूंगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि उसकी जरूरत ज्यादा होगी। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मिलकर सैम पिट्रोदा निकले, उम्मीद है आप शायद जानते होंगे, सैम पिट्रोदा कौन है और उन्होंने भारत का एयर स्ट्राइक था
बालाकोट का हमला हुआ था उसकी खिल्ली उड़ाई है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन सर ज्यादा इक्विप्ड नहीं है। देखिए मैं इसका थोड़ा सा आपको जवाब दूंगा और उसके बाद मैं उसको जो मित्र अंग्रेजी के अखबारों या चैनल से उनके लिए बात भी कर दूंगा। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं है, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ 26/11 को शुरू नहीं हुई थी, हम उससे कहीं पहले टेररिज्म के विक्टिम बन चुके थे और इसलिए हम लोग आतंक से लड़ रहे थे। और हर बार यही होता था कि वो टेररिस्ट आते थे, हम रोकते थे, हम उनको मारते थे, अपने लोगों को बचाते थे और साल में एक दो घटना ऐसी हो जाती थी जहां वो सफल हो जाते थे। उस नीति से जो भारत की एक सिक्योरिटी पॉलिसी रही, विशेष रूप से यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में उसको इवॉल्व किया है और इवॉल्व किया है इस दृष्टि से कि अब केवल हम देश में अपनी रक्षा करेंगे, जब वो आएंगे तो उनसे निपटेंगे। अब नीति ये नहीं है और आवश्यकता के अनुसार उसका एवोल्यूशन हुआ है। आवर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इज इवॉल्व कि जहां से आतंक आरंभ होता है अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल, आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा और किसी ने अगर कहा यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हूं तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजे और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहे। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैक फुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन कभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा। आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है।
Balloon ji. Just adding to what he says in response to your question, there is a basic erroneous premise in that theory. That why blame the whole country for what 8 people entered the Mumbai on 26-11? This erroneous premise is a self-deception. It is based on a presumption that there is a distinction between the state actors and the non-state actors in Pakistan. Post 26-11, the non-cooperative attitude of the Pakistani successive governments and their reaction to Pulwama, coupled with the fact that you had the structured camp, not a Shamiana camp in a forest, but these were like military training academies, such camps operating, conclusively shows that there is no distinction between state actors and non-state actors in Pakistan. The non-state actors are only an extended limb of the ISI.